तो दोस्तों यह है गोदरेज का 4-स्टार इन्वर्टर एसी। इसको मैंने फ़्लिपकार्ट से मंगाया था और इसकी डिटेल वीडियो मैंने इसी चैनल पर अपलोड की हुई है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एसी का एयर फिल्टर कैसे साफ़ करते हैं। हर 15 से 20 दिनों के अंदर एक बार साफ़ करना चाहिए, क्योंकि उस पर डस्ट आ जाती है बहुत ज़्यादा। एक महीने में एक बार इसको साफ़ कर ही लेना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। और अगर ज़्यादा डस्ट हो जाती है तो एसी कूलिंग कम कर देता है या बहुत ही हल्की कूलिंग होने लगती है। तो ये देखिए साइड से यहाँ पर बना हुआ है, इसको पुश करके खोलेंगे तो ये ऊपर का कवर ओपन हो जाएगा दोनों साइड से। यहाँ पर एक देख सकते हैं आप, ये निशान बना हुआ है, पुश करके खोलने पर यह खुल जाता है। और दो पार्ट में इसका जो है एयर फिल्टर है, तो मैं अभी इसे आपको खोल के दिखा देता हूँ और थोड़ा नज़दीक से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ से देखिए पुश करेंगे तो ये खुल जाएगा। तो दोनों तरफ से इसको पकड़ के पुश करके खोल लेना है। तो क्योंकि मैं एक हाथ से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैंने पहले से इसको खोल के रखा था। तो ये देखिए एयर फिल्टर आपको दिख रहा होगा, ये पूरा ऊपर तक रहता है और यहाँ पर निशान भी बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। यहीं से आपको इसको निकालना रहता है। ये देखिए दोनों पार्ट इसका है, दोनों पार्ट को निकालना है। निकाल के आपको इसकी सफाई करनी है, तो अभी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। तो ये देखिए इसको ऊपर की तरफ खींचेंगे, ये देखिए, और इसको खींच के बाहर निकाल लेना है बहुत ही आहिस्ते से, क्योंकि इसका जो जाली होता है वो बहुत ही नाजुक होता है। तो ये देखिए मैंने दोनों फ़िल्टर को बाहर निकाल लिया है और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इस पर डस्ट आ गई है। ये लगभग 20 दिन का होगा। ये देखिए 20 दिनों में इतनी सारी डस्ट इस पर आ गई है। ये निचला हिस्सा है, नीचे के हिस्से पे आप कम डस्ट देख रहे हैं और ऊपर का हिस्सा चूँकि खुला रहता है तो ये खुले हिस्से पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा डस्ट है। जबकि ये बरसात का मौसम है तो बारिश के मौसम में नमी ज़्यादा होती है, तो इस वजह से धूल गर्दा वगैरह उतना उड़ता नहीं है। फिर भी देखिए बारिश के मौसम में इतनी ज़्यादा इस पर डस्ट आ गई है, तो सोचिए ड्राई सीज़न में कितना ज़्यादा इस पर डस्ट आ जाएगी। और ये देखिए ये जो महीना चल रहा है ये अगस्त का महीना है, लगातार बारिश हो रही है फिर भी इतनी सारी डस्ट इस पर आ गई है। तो इन दोनों फ़िल्टर को साफ़ करना है आपको बहुत ही आसानी से, हल्के हाथों से। ज़्यादा कुछ इसमें साफ़ करना नहीं रहता है। आप एक ब्रश लीजिए, पेंट ब्रश या कोई भी ना, मतलब जो सॉफ्ट हो जिसका ब्रश, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। पेंट ब्रश ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं इसको शू पॉलिश वाले ब्रश से साफ़ करूँगा। तो ये देखिए मैंने शू पॉलिश वाले ब्रश से इसको साफ़ किया, बिल्कुल हल्के हाथों से, बिल्कुल आराम से, नहीं तो जाली फट जाएगी। और ये देखिए साफ़ हो जाने के बाद से कितना क्लीन हो गया ये। और इसको वापस से आपको लगा देना है। तो ये किस तरह से लगाना है देखिए, यहाँ पर इसमें निशान बना हुआ है, आप खुद समझ जाएंगे जब उसको आप ओपन करेंगे। तो ये देखिए एक को मैं फिट कर रहा हूँ, निशान पर लगा के वापस से ऊपर की तरफ पुश करेंगे तो ये अपने आप वहाँ पर फिट हो जाएगा। तो 15 से 20 दिन में एक बार ज़रूर साफ़ कर लेना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो बहुत ज़्यादा एक महीने में एक बार आपको ज़रूर साफ़ कर लेना चाहिए। ये मैंने आपको डेमो दिखाया है 15 से 20 दिनों में कितनी सारी डस्ट हो गई थी। तो सोचिए कि अगर एक दो महीना नहीं साफ़ करेंगे तो कितनी ज़्यादा उस पर डस्ट हो जाएगी और कूलिंग भी कम होने लगेगी। इसलिए साफ़ रहेगा तो बराबर प्रॉपर कूलिंग करेगा एसी। तो ये देखिए मैंने दूसरी तरफ भी लगा दिया है। तो इस तरह से एसी का एयर फिल्टर क्लीन करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।